नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बनाएंगे, जहाँ तक बना लिए उसके जस्ट आगे बनाएंगे। तो इससे पहले आप लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे आप सभी। और उससे पहले जो है 13 लेक्चर में हम लोग समाकलन के क्वेश्चन बना भी लिए, और ठंडी भी पड़ गई है इसलिए अब जैकेट पर भी आ गए, है ना। तो चलो भाई, तो इसलिए अब हम लोग जो है समाकलन का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो इसके बाद के हैं, जहाँ तक पिछले क्वेश्चन में ख़त्म किए थे, बस उसी के बाद स्टार्ट करेंगे, है ना। रिदम तो लगातार चल ही रहा है, ठीक है। तो बाबू देखो, करना क्या हम लोग को कि इसके बाद जो है वो समाकलन का थोड़ा सा अलग रूप है, हट के है, ठीक है, जिसे बोलेंगे आंशिक भिन्नों के रूप में समाकलन। क्या नाम है बाबू इसका? आंशिक भिन्नों, ठीक है। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग जो है पढ़े थे कि अगर 1/(x²-a²) है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर 1/(a²-x²) है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर 1/√(a²-x²) है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। ऐसे ही a²+x² का फॉर्मूला पढ़े थे। ऐसे ही हम लोग जब ये सारे 6 के 6 फॉर्मूले हो गए थे, इसके बाद हम लोग एक जो नीचे एक पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण टाइप कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, जब ऊपर 1 हो और नीचे एक द्विघात समीकरण हो, याद आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद अगला हम लोग ये पढ़े थे कि उसी द्विघात समीकरण में अगर रूट लगा दी जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे बढ़िया सबसे मजेदार क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि जब ऊपर भी कुछ ऐसा सिंपल पॉलिनोमियल और नीचे एक द्विघात समीकरण या तो रूट में दिया हो या फिर बिना रूट में दिया हो तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम लोग को याद आ गई थी। अभी क्या करना है कि अब जो है हर टाइप का, देखो समाकलन के लिए कभी भी प्रॉपर्टी बिना लगाए समाकलन नहीं होने वाला, है ना। तो इसी में क्या करना है हम लोग को, प्रॉपर्टी एक से एक प्रॉपर्टीज लगाना है ना। तो देखो, आंशिक भिन्नों के समाकलन का भी क्वेश्चन ठीक ऐसा ही दिखेगा, कैसा? ऐसा टाइप का। अब जो है जो पिछले लेक्चर में था या फिर पिछले एक्सरसाइज में था, इससे ऊपर उड़ा के नहीं दिया था, इसमें क्या करेगा, यू से ऊपर उड़ा के दे देगा। समझ में है? मतलब थोड़ा सा और जटिल बनाएगा। अपनी जो लेवल है समाकलन क्या करता है, एक एक करके अपना लेवल हाई करते जाते हैं। इन जब अवकलन करते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे नीचे कुछ हो, है ना। एक परिभाषा याद कर लिए, उसी परिभाषा के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन समाकलन में हर क्वेश्चन के लिए, हर रूप के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो इसलिए देखो, आज हम लोग जो रैखिक आंशिक भिन्नों का समाकलन करेंगे या फिर आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन होता है, का नहीं द्वारा, ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब अभी भी हम लोग को जो है क्वेश्चन परिमेय रूप में ही देगा, जैसे कि मान लो कि अगर परिमेय रूप में, ठीक है, परिमेय रूप में कोई ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन जो कि ऊपर लिखा हो px+q/, नीचे लिखा हो x-a और x-b, ऐसा दिया हो, ठीक है, कहीं भी। अच्छा, ये क्या बनाता है, एक द्विघात समीकरण, है ना। बिल्कुल ऐसा बनाएगा ये द्विघात समीकरण, लेकिन कब बनाएगा, जब a≠b हो तभी बनाएगा, है ना। और अगर तब ऐसा रूप आ गया तो इसको और कितना अच्छा तरीके से कर सकते हैं, तो सीधे सीधे एक काम करो, a/, ये जो नीचे वाला है उसको लिख दो, और +b/, इसके नीचे वाला इसको लिख दो। अब ये आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। x-a का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, x-b का इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है, लेकिन वो जो a और b है वो कहाँ से आएगा, इसकी बात ध्यान रखनी है। तो अब वो पहले बताए हैं इसमें a और b कहाँ से आते, बताए कि नहीं बताए, a और b जो है वो कैसे आता था, बहुत अच्छे से याद होगा आप लोग। इसमें भी वैसे ही a और b आएगा, क्लियर है ना। उसके लिए क्या करना होगा हमको, देखो यही पे समझा दे रहे हैं a और b कैसे आएगा, ठीक है। इधर देखो, ऊपर p+q है ना, और इधर ऊपर a+b है। इसका अर्थ है कि सीधी बात है कि ये और ये, तो मतलब p+q से ही a और b आया होगा, कुछ ऐसा रिलेशन होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एकदम रफली टाइप, दिमाग में रफली टाइप याद कर लो कि px+q = a से गुणा करो इसका x-b और +b x-a,
यहां से क्या होगा कि ए और बी का मान आ जाएगा और उसी को उठा के इसमें रख देना है, बस त्रिक गुणा कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, ए का एक्स माइनस बी में और बी का एक्स माइनस ए में, और इसको इक्वल कर दो बी प्लस क्यू के। हाँ क्लियर है ना, बात समझ में। और इससे पहले कैसे निकालते थे, इससे जस्ट पहले जब नीचे द्विघात समीकरण था याद आ रहा है, उस समय पिछले एक्सरसाइज में याद करो, पी एक्स प्लस क्यू बराबर होता था ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, ऐसा होता था ना। क्लियर, अब क्या हो गया, उससे भी आसान आ गया, और उस समय ये थोड़ा सा कठिन बनाता था, लेकिन इस तरह करेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपना लेवल हल्का सा हाई किया है और क्या। देखो इसी तरह अगर जो है कहीं भी तुमको ऐसा दिख जाए, कैसा बाबू, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ये दिख जाए पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो देखो इसे लिखने के लिए यहां करना ए, डिवाइड करना एक्स माइनस ए, यहां करना बी और डिवाइड करना एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस रूप में लिखा जा सकता है, ये आंशिक रूप है और ये परिमेय रूप है ना, इसको क्या कह सकते हैं, और ए और बी का मान तो अब पता चल गया है कैसे निकालना है। अगर इसमें ए और बी निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, है ना, यहाँ से ए और बी आ जाएगा, बात समझ में। तो सिंपल लॉजिक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद बनाते चलना है। एक और टाइप का फॉर्मूला, जैसे मान लो कि ऊपर ही कोई तुमको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर मतलब द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है, अभी तक एक एक चर रेखीय दिख रहा था, अब द्वि द्वि मतलब क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, या द्विघात समीकरण है ना, यहाँ एक घात था यहाँ द्विघात आ गया, तो इस समीकरण में, लेकिन नीचे और ध्यान देना, अगर ए एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस सी है, क्लियर, तो इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे बाबू, कि ए अपॉन करो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन करो एक्स माइनस बी और प्लस सी अपॉन करो एक्स माइनस सी, गया सॉल्व। एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन बहुत आसान, वन अपॉन एक्स माइनस ए, वन अपॉन एक्स माइनस बी, वन अपॉन एक्स माइनस सी, इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया काम है ये ए और बी और सी निकालना, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ए बी और सी निकालना। अब इसके लिए क्या करना होगा, ये बात ध्यान देने वाली है ना, अगर ए बी और सी तीनों निकालना है तो सिंपल सी बात है कि अगर ए निकालना है ना तो इन दोनों का गुणा करो, बी निकालना है तो इन दोनों का, और सी निकालना है तो इन दोनों, बात समझ में, कोई डाउट तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर। तो देखो हमें यहाँ पे अगर निकालना हो, जैसे इसके लिए तो ये था है ना, इसके लिए निकालना, देखो एक के बारे में दोनों बता दे रहे हैं कि ए बी और सी कैसे निकलेगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय भी डायरेक्टली निकाल सकते, अगर हमें पी एक्स प्लस क्यू डायरेक्टली इक्वल कर दो ए इंटू, है ना, ए इंटू ए है ना, इन दोनों का गुणा करके ए से गुणा कर दो, इट मीन्स कि एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू, इसको छोड़ के इन दोनों से गुणा कर लो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू इन दोनों का गुणा कर लो, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, लेकिन एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे कोई भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, तभी ऐसा काम होगा, क्लियर, कोई भी एक दूसरे के इक्वल ना हो तब ये कर सकते हैं, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। देखना अभी अगर ना भी समझ में आया हो तो बस नोट कर लो, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बिल्कुल बस क्या करेंगे हम लोग कि इसको सॉल्व करने से पहले ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी का मान चाहिए, जब इसे सॉल्व करेंगे इस पोजीशन पे बस उठा उठा के रखते जाएंगे, देखना आसानी से आंसर आता जाएगा, बात समझ में, बस देखते रहना। ये तीन फॉर्मूले हो गए, तीन और हैं उसको जान लो, तीन क्या दो और हैं है ना, ऊपर का दो मिटा दे रहे हैं ताकि लिख सके, एक और नीचे आ ही सकता है, अगर मान लो कि कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर
ऊपर एक पॉलिनोमियल है वो भी द्विघात समीकरण, नीचे जो ए बी और सी था कोई दो इक्वल हो गए, अगर इक्वल होंगे तो यहाँ क्या बना लेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनाएगा ना, और इधर क्या दिखे, एक्स माइनस बी। इट मीन्स कि दो गो जो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी था वो ए इक्वल टू बी हो गया, तो पोजिशन तो सेम ही है ना। लेकिन इसके लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए देखना, ध्यान देना कि ए अपॉन करेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन करेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्स माइनस बी। क्लियर, इतना ध्यान रखना है। यदि कोई दो इक्वल हो गए इसके साथ एक्स माइनस ए रखना है और इसके साथ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर, कोई डाउट बोलो, नहीं ना। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से अगर हमें ए बी सी निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू किया है क्या भाई, यहाँ पॉलिनोमियल है ना, तो ये पॉलिनोमियल के इक्वल होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, है ना, ये तो वैल्यू देगा ही। क्लियर, और यहाँ से ए जो है मान निकालेंगे, पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ए का मान पलट पलट के उलट पलट के आंसर ला दें। ठीक है, तो वैसे ही करना है, यहाँ भी वही काम करेंगे, ये इक्वल होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये वाला जो है इक्वल होगा हमारा ए इंटू, देखो ए के पास क्या है भाई, एक्स माइनस ए है और इसके पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और इसके पास एक्स माइनस बी है, जब दोनों को काटेंगे तो इसमें से एक ठो बच जाएगा, इसमें से एक ठो बच जाएगा, इसका मतलब ए के साथ गुणा करना होगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का। लेकिन जब बी के साथ गुणा करेंगे तो देखो बी के पास तो पूरा स्क्वायर है फंक्शन, ये पूरा उड़ा देगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस बी है ना, क्या बचेगा यहाँ, एक्स माइनस बी, और जब सी के साथ गुणा करेंगे तो सी इंटू मिल जाएगा हमको, देखो सी है ना, ये नहीं चाहिए, यही दोनों चाहिए, दोनों सेम ही है, अगर स्क्वायर लिख लें तो काम हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस ए का होल, क्लियर है ना। देख लो अगर ये वाली पॉइंट्स ना समझ में आए कोई बात नहीं, बस ये याद रखना है कैसे हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में, बस ये आंशिक भिन्न याद रखना है, ये तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब तो ये मतलब कि सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी ये है ना, इसको ध्यान रखना, और इसको भी, ये चार हो गए, एक और लास्ट में बचता है जिसको हम लोग फॉर्मूले के रूप में पढ़ लेते हैं। नोट कर लो फिर बता, ठीक है, एक और लास्ट है, कहीं बाबू अगर कोई क्वेश्चन बन रहा हो और उस समय तुमको दिख गया क्या ऐसा, मतलब ऊपर भी दिख गया एक पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण क्यू आर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डिवाइडेड बाई नीचे एक ठो तो सिंपल सा मिला ऐसा एक्स माइनस ए, लेकिन एक गो जो है वो गड़बड़ा दिया, मतलब गड़बड़ा का दिया, द्विघात समीकरण के रूप में मिलने लगा, है ना। हाँ तो देखो क्या बोले हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा द्विघात समीकरण दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ऐसा दिया है, तो ये जो है ये किस रूप में टूटेगा, ये ध्यान रखना, ये टूटेगा ए अपॉन एक्स माइनस ए और दूसरा टूटेगा बी एक्स प्लस सी अपॉन, ये पूरा द्विघात समीकरण है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये जो द्विघात समीकरण नीचे दिख रहा है इसका फैक्टराइज ना कर पाओ तभी ऐसा काम करना, अगर फैक्टराइज हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये लंबा जाएगा भाई,
ना, क्योंकि फिर ये ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये जो लिखे हैं ये देखो ध्यान दो, ये जो है पहला जो इक्वेशन था, पहला जो मिटा दिए वैसा ही दिख रहा है। इसका मतलब कि अगर पांचवा नंबर फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछता है तो इसको हमें ये तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसको जो है पहले फॉर्मूले के हिसाब से फिर तोड़ना पड़ेगा। तो प्रयास ये करना है कि ये जो है फैक्टराइज हो जाए, अगर नहीं होता है तभी ऐसा काम होगा। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या हो भाई, गुणनखंड ना किया जा सकता हो तभी ऐसा कर सकते हैं, गुणनखंड ना किया जा सकता हो, ऐसा अगर हो गया तभी ये काम होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो ये पांच फॉर्मूले आप लोग को याद रखने हैं, उसके साथ साथ ए और बी कैसे निकालना है ये भी याद रखना है, तभी क्वेश्चन इसके सारे सॉल्व होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ में है? चलो भाई तो एक दो क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट, ये नोट कर लो सभी। क्या दे देखो, एक क्वेश्चन छोटा सा सिंपल सा लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करना है हमको डी एक्स अपॉन एक्स, है ना, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना है कि हम लोग जितने भी फॉर्मूले बनाए 6 के 6 सभी के, सॉरी 5, वो सभी के सभी जो है माइनस वाले थे, पहला आ गया प्लस वाला, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है। अब वो जो माइनस वाला था तो उसमें ध्यान दिए होगी कि हम लोग जो आंशिक भिन्न कर रहे थे उसमें ए अपॉन समथिंग बी अपॉन समथिंग के बीच में प्लस था, माइनस था तब, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब ये फैक्टर जो टूटेगा ये कैसा टूटेगा भाई, ए अपॉन एक्स प्लस वन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस टू, ऐसा ही टूटेगा, बात समझ में आई। और इन दोनों का ही हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये डी एक्स और डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को करने से पहले वाला काम क्या बचेगा बाबू, ए और बी निकालना, क्योंकि और सब तो सही है, ये भी इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये भी लॉग एक्स प्लस टू हो जाएगा, लेकिन बस ए और बी बचा है जिसको हमें कंफ्यूज करेगा। वो कैसे आएगा बाबू, लास्ट में बताए थे ए निकालना है तो ऊपर वाला, ऊपर यहाँ क्या है वन है, तो डायरेक्टली वन को इक्वल कर दो ए इंटू, ए से गुणा करना है किसका, इधर वाले का एक्स प्लस टू, और प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स प्लस वन, है ना, जरा इक्वल कर लो, यह हो जाएगा वन ए एक्स प्लस टू ए, और इधर क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस बी, है ना, क्लियर। अच्छा यहाँ से क्या फायदा होगा भाई, यहाँ से अच्छा अगर हम चाहें तो x वाला फंक्शन अलग कर लो और b वाला फंक्शन, मतलब कि अचर फंक्शन अलग और चर फंक्शन अलग कर लो, जैसे वो पिछले में करते आ रहे हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया और यहाँ 2a प्लस बी हो गया, क्लियर। x अगर बाहर निकालते हैं मतलब दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी एक्स और यहाँ मिलेगा 2a प्लस बी। अच्छा यही चीज तो था, वो हम लोग को इक्वल दे रहा था, एक्स वाला फंक्शन इक्वल दे रहा था इधर पी एक्स प्लस क्यू वाले फंक्शन में, पी के, है ना, एक्स वाला फंक्शन एक्स वाले के इक्वल, अचर वाला फंक्शन अचर वाले के इक्वल। यहाँ पे एक्स वाला फंक्शन तो यहाँ तो केवल वन दिया है तो दोनों के दोनों वन के इक्वल हो जाएंगे, सीधी बात है ना, ए प्लस बी बराबर भी वन और 2a प्लस बी बराबर भी, अरे सॉरी अचर दिया है ना, पी एक्स तो दिया ही नहीं, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर पी एक्स नहीं दिया है, क्यू तो दिया है वन और क्यू का काम हो गया वन, अचर राशि का काम तो हो गया।
लेकिन चर राशि में क्यू पी एक्स दिया ही नहीं है, इसका मतलब जीरो है, पी का मान जीरो है, तभी नहीं ए प्लस बी बराबर जीरो है। यहाँ से ए और बी का मान निकाल लो, ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी होगा, माइनस बी उठा के यहाँ रख दो, तो 2 × -b प्लस बी बराबर 1, ये हो जाएगा -2b प्लस बी बराबर 1, तो ये कितना आ गया, माइनस बी बराबर 1, या फिर कह सकते हैं b बराबर माइनस, b बराबर कितना आया, -1, तो a बराबर कितना आएगा, -(-1) इज इक्वल टू 1, तो a का मान आया 1 और b का मान आया कितना, -1। बात समझ में आई, कोई डाउट बोलो, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ प्लस ही रहेगा, ये वाला काम आके माइनस करेगा, ए और बी दोनों का मान आ गया, उठा के रख दिया जाए इक्वेशन में, ये अलग से सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है, ए का मान रखे हैं तो 1 × dx हो गया डिवाइडेड बाई x+1 हो गया, यहाँ पे बी का मान रखे हैं तो -1 × dx हो गया डिवाइडेड बाई x+2 हो गया, ये माइनस आगे कर लो, यहाँ बन जाएगा dx/(x+1), यहाँ बन जाएगा dx/(x+2), इंटीग्रेशन करने आता ही है, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ, log mod of x+1 माइनस log(mod of x+2) प्लस c, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो ये जो पिछले पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे थे ऐसा ही, तो थोड़ा सा कठिन जा रहा था, उसमें द्विघात समीकरण बना के फिर उसके बाद उसे पूर्ण वर्ग बना के अलग से सॉल्व कर रहे थे, है ना, x²-a² या फिर x²+a² वाला फंक्शन बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, बस आंशिक भिन्न में तोड़ो, है ना, बात समझ में आई, तो यही अंतर है पिछले लेक्चर और पिछले एक्सरसाइज और इस साइज बना लो। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं px+q पर, ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है x/(x+1+2), ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व, ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम बताएं ऐसा आप लोग को सॉल्व, उसमें देखो q दिया था, इसमें p दिया है, p कितना है 1 और q कितना है 0, देखो px+q का रूप हो गया, अब बना लोगे, ठीक है, तो इसके बाद एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा अलग, क्यों अलग नहीं रहेगा तो मज़ा कैसे आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, वो देखो क्या है, अगर कहीं इंटीग्रेशन करना है हमको x²+1/(x²-5x+6), ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो अगर हम, याद होगा आप सभी को याद होगा, हम जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं बताया, मतलब नीचे वाला तो है बन सकता है, जो ऊपर वाला रूप था वैसा बन सकता है, लेकिन ऊपर वाला ई जो है गड़बड़ है ना, ऐसा हम थोड़े ना बताएं कहीं, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x²+1 ये क्या है भाई, किसी भी उचित परिमेय फलन नहीं है ना, एक उचित परिमेय फलन नहीं है, और अगर उचित परिमेय फलन नहीं है तो उचित हालो, अब वो उचित बनेगा कैसे बाबू, कैसे बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, x²+1 को x²+5x+6 से भाग देना होगा, है ना,
भाग देने पर कैसे भाग लगेगा। अच्छा देखो, अगर हम चाहें तो ये वाला जो है वो इस रूप में बना सकते हैं, है ना। ध्यान रखना है, इस फंक्शन को इस रूप में हम लोग बना सकते हैं। कैसे देखो, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ जो है सीधे सीधे इसको हम लोग बना लें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इस पूरे को बस इतने को बना रहे हैं, ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बना लिए, ठीक है। तो अब क्या आएगा, अगर यहाँ पे सिक्स बना लिए तो जो बचा उसको लिख लो, यहाँ पे माइनस फाइव एक्स किए हैं तो प्लस फाइव एक्स बचा होगा। देखो जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, बस सिंपल सा काम दिमाग में ये करना है कि नीचे जो एक्स स्क्वायर है उसके पास जो भी फंक्शन है वही ऊपर लिख दो, क्लियर। और जो एक्स्ट्रा बढ़ाए हो उतने जो है उल्टे साइन में लिख दो, प्लस फाइव एक्स है तो सॉरी माइनस फाइव एक्स है तो प्लस फाइव एक्स, प्लस सिक्स है तो माइनस सिक्स, और एक प्लस वन बच गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और नीचे जैसे है वैसे लिख दो, एक बार और समझो, नीचे जो था इसी तरह ऊपर बनाने का प्रयास किए हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स था यहाँ भी, क्या किए इस एक्स स्क्वायर में माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कर दिए। मैथ में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आता तो है नहीं, अगर माइनस फाइव एक्स किए हैं तो प्लस फाइव एक्स करना पड़ेगा, प्लस सिक्स किए हैं तो माइनस सिक्स करना पड़ेगा, और उसके बाद इसके पास प्लस वन है वैसे का वैसे ही चुपचाप छोड़ दो। इससे देखो ये पूरा अलग इक्वेशन बन गया और ये पूरा अलग बन गया। इसको अगर तोड़ेंगे तो देखो ये इससे भाग लग सकता है, इससे भी भाग लग सकता है, यहाँ भाग लगेगा बनेगा वन, और यहाँ भाग लगेगा तो यहाँ बनेगा फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, कोई डाउट इसमें। इसी इक्वेशन को इस रूप में लिख दिए। अब ये परिमेय रूप में दिख रहा है ना हमको, अब ये क्या हो रहा है, एक सिंपल परिमेय रूप में दिख रहा है। अब ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, सिंपल सा लॉजिक है ना, इसको बना लो आई, ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई कर देखो, वन का इंटीग्रेशन तो सब कर लोगे, लेकिन ये जो फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना भी बाकी है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस सिक्स। पहला काम ये इसका फैक्टराइज कर लो, गुणनखंड कर लो, होता है दो तिया छः, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री टूट गया, ठीक है। इधर बन गया फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ये बन गया एक्स माइनस थ्री और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, फैक्टराइज करने पर हुआ है दो से तीन का गुणा करो छः आएगा, जोड़ो पाँच आएगा, टूट गया। अच्छा अब और सिंपल रूप में दिख रहा है, ए और बी का मान निकालना है। इसका आंसर हमें पता है ये होना चाहिए था, ए अपॉन एक्स प्लस माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब दिमाग में बैठ गया, लेकिन अभी बचा हुआ है ए और बी का मान निकालना, है ना, ए और बी का मान अभी बचा हुआ है निकालना, उसको निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इसका अंश इसका अंश इसका अंश, तीनों का अंश देखो, बस देखो, इधर वाले का देखेंगे तो ये दिखेगा फाइव एक्स माइनस फाइव, इधर वाले का अंश दिखेंगे तो ये दिखेगा ए, और इसके साथ गुणा किसको करना है, एक्स माइनस टू को, बताया ना पीछे, यह हो जाएगा एक्स माइनस टू, प्लस बी के साथ गुणा करना है एक्स माइनस थ्री। इसके बाद याद होगा क्या करना पड़ता है, ए का और बी का अंदर जाए गुणा करो, एक्स वाला फंक्शन अलग रखो और अचर फंक्शन अलग रखो, एक्स वाले का एक्स से तुलना, अचर वालों का अचर से तुलना, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इधर तो ऐसे ही चुपचाप अभी रहने दो इसको, ये हो जाएगा ए एक्स माइनस टू ए, या हो जाएगा बी एक्स माइनस थ्री बी, क्लियर। एक्स वाला दोनों फंक्शन एक पास हटाओ, यहाँ बनेगा एक्स माइनस फाइव, यहाँ बनेगा ए एक्स कॉमन ले सकते हैं,
तो ए प्लस बी इंटू एक्स हो गया, और यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं, माइनस कॉमन हो सकता है, बनेगा 2a+3b। ठीक है, बात क्लियर है ना? इस रूप में बना रहे हैं, हमारे पास सॉल्व करने के लिए ये है, जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये करना है, लेकिन अभी हम ये वाला बस सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद एक से जोड़ के इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि अभी भी कहीं इंटीग्रेशन हम किए नहीं है। ठीक है, अब आगे करो, एक्स का एक्स के साथ तुलना, इधर भी एक्स दिख रहा है, इधर भी एक्स दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 5। इस पूरे फंक्शन अचर का, इस पूरे अचर से, तो ये तुलना हो जाएगा -2a+3b इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से देखो a बराबर कितना मिलेगा, 5 माइनस बी, यहाँ a की जगह 5 माइनस बी रख दो, 2 × 5 − b + 3b इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 × 2 = 10, −2b + 3b इज इक्वल टू 5। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 10 + b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -5 आएगा ना, 10 उधर जाएगा, घट जाएगा। अब b का मान अगर -5 आया, तो a का मान कितना आएगा, 5 − −5 कितना आ गया, 10। a का भी मान आ गया और b का भी मान आ गया, जाके रख दो। अब आते हैं i पे, इक्वेशन बन चुका है सब कुछ सीधा सीधा, ये बन गया 10 / x − 3 + ये माइनस में है ना, तो माइनस आगे चलाएगा, −5 / x − 2, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो बाहर वाला था उसको पकड़ के सॉल्व कर लिए, ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर, ए बी का मान आ गया, सब कुछ सही है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो बचवा, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 है, प्लस है 5x − 5, और x² − 5x + 6 का मान हमारे पास आया ये वाला, रख लो, हो जाएगा 10 / x − 3 − 5 / x − 2। क्लियर, बन गया, अब इंटीग्रेशन करने लायक बन गया, अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन, उस समय नहीं कर सकते थे, क्वेश्चन जो था उसमें इंटीग्रेशन करना बहुत कठिन था, ये था क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यही जो रूप था, ये देखो ये वाला रूप ऐसा बन गया, अभी तक बस रूप परिवर्तित कर रहे थे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx + इंटीग्रेशन ऑफ 10 / या फिर 10 बाहर कर लो, है ना, क्योंकि अचर है, अचर बाहर ही रहता है, 10 × ∫1/(x − 3dx), और यहाँ बनेगा −5 × ∫dx/(x − 2) कितना आएगा, 1 का करेंगे x हो जाएगा, प्लस 10 × 10 × log(mod)(x − 3) −5 × log(mod)(x − 2 प्लस c, ये आएगा रिक्वायर्ड आंसर, वो भी जो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनाए जाएंगे, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और उसके बाद सिमिलर टाइप जो होगा वो आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, है ना, कल हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। तो हो गया नोट, ये अब समझ में आया होगा आप लोग को, सभी को समझ में आया होगा।
ना नहीं भी आया होगा, मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा, अगर नया होगा तो धीरे धीरे ही समझ में आएगा। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन जब बनाते जाओगे धीरे धीरे जो है दिमाग से, एक 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 ही बार में सारा कन्फ्यूजन तो क्लियर हो नहीं जाता, तो एक एक करके कन्फ्यूजन जब क्लियर होगा तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि क्वेश्चन बनाते रहने हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से घर बैठ के आराम से आज बनाना, कल और भी आगे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो क्या करेंगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, फिर मिलेंगे हम लोग कल, थैंक यू।